गई है तो ये फर्मा आ गया, चील काट में भी आ गई। वाह जी जी, ये दिखाया तो मैं आपको, ये हमारे आरडीएस एज का रैपर भी था यहाँ पे। ये भैया गुड इवनिंग फ्रॉम दी अलीगंज। जी हाँ दोस्तों, आ चुके हैं हम सौरभ गाइड सेंटर अलीगंज में। आप ये देख सकते हैं सौरभ गाइड सेंटर प्लस अलॉन्ग विद द फोन नंबर। चलते हैं अंदर, मिलवाएंगे आपको सौरभ भाई से, जिनके शॉप जो करते हैं इस शॉप को पूरा हैंड ओवर। स्टार्टिंग देखिए, आपको सर्दी बत्ती दिख जाएगी, टेप दिख जाएगी, यहाँ पे डिस्पेंसर जो होता है टेप का वो दिख जाएगा आपको यहाँ पे, तो सब चीज़ें मिलेंगी। पतंगे रखी हुई है यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पे देखिए हमें, हमारे सलीम खान जी का आरडीएक्स, जो वन ऑफ दी कहते हैं ना, बड़ा मेरा फेवरेट रहता है। जिस रेट में ये आता है ना, उस चीज़ में बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। और उसके बाद चलते देखिए, यहाँ पे हमारे सौरभ भाई हैं। अंदर चलते हैं, आपको थोड़ा सा अंदर जाके दिखाते हैं। कुछ बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल काइट्स है जो हमारे प्रकाश जी की आती हैं, डेकोरेट कर रखी है यहाँ पे। और चीज़ देखिए ये वाली, बहुत अल्टीमेट फर्मा देख लीजिए, पतंगे देखिए, नो डाउट इनके लंबे बॉल्स सब देखे हुए हैं आपने पहले भी, और आज फिर देखने को मिलेंगे शायद से। पतंगे बहुत ब्यूटीफुल है, और ये कुछ पूरा आपका देखिए इस तरीके से डेकोरेट कर रखा है यहाँ पे। कुछ पतंगे यहाँ पे भी आ रखी हैं, ये मांडू की चरखियाँ रखी हुई हैं, और ये देखिए सब यहाँ पे है इस टाइम पे। और चलते हैं यहाँ पे, देखिए पूरे पतंगों के स्टॉक लगे हुए हैं यहाँ पे, रैक है यहाँ पे, और यहाँ पे भी। तो अब हैंड ओवर करेंगे माइक हमारे सौरभ भाई को, और उनसे बात करेंगे, जानेंगे शॉप के बारे में, कुछ उनके बारे में। तो मिलते हैं सौरभ भाई से, मिलवाते हैं आपको सौरभ गाइड सेंटर के ओनर सौरभ भैया से। तो भैया कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो भैया थोड़ा सा इस शॉप के बारे में, कब से इस शॉप, और थोड़ा सा अपने बारे में। मैं तो 10 साल 12 साल से पतंगबाजी कर रहा हूँ। ओके। और काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। तो अभी 2-3 महीने पहले मैंने सोचा कि इसको एक प्रोफेशन बनाया जाए। चलिए, तो पहले आप क्लब काइट फाइटिंग कर रहे हैं, तो कौन सा क्लब है अपना? मेरा क्लासिक। क्लासिक है, तो कितना पुराना क्लब है ये? ये कम से कम 30-35 साल पुराना। क्या बात है, मेरी एज नहीं होती, बट ये क्लब मेरा बहुत पुराना है। बहुत बढ़िया, मतलब ज्वाइन किया हुआ आपने इतने पुराने क्लब को यहाँ पे, तो मतलब खुद भी आपको 10-12 साल आपको उड़ाते हो चुके हैं। आराम से भैया, आराम से। चलिए, और उसके बाद अभी आपने मतलब लेटेस्ट ही प्लान किया है कि इसको कुछ अपना प्रोफेशन में लेके आने का? बेसिक यही है कि इसको प्रोफेशन बनाया हमने, फिर थोड़ा और अच्छा लगने लगा, और किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो और उसको वो करिए तो एक अलग ही इन्जॉयमेंट आता है, बस यही है। नो डाउट, नो डाउट। तो मतलब अभी 3 महीने पुरानी शॉप अगर देखा जाए तो सर, अभी थोड़ा सा जैसे आपने बताया कि 30-35 साल पुराना आपका क्लब है, क्लब फाइटिंग कर रहे हैं, तो कुछ क्लब के कुछ ऐसी अचीवमेंट जो पुरानी, इतने पुराने क्लब है, तो कैसे थोड़ा सा बताइए उनके बारे में। अचीवमेंट्स क्या होते हैं भाई, कंपटीशन होता है, एक किसी मेंबर ने किसी को नॉक काट दिया तो वेल एंड गुड है, बस यही सारा बेसिकली क्लब फाइटिंग में यही होता है, चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपने पास जो शॉप है ये वाली, जैसे अब स्टार्ट किया, और ख़ासकर पतंगों की बात करते हैं हम। जी, पतंगों में हम बात करें, वैसे तो मैंने देखा है कि जो लखनऊ का एक कहते हैं कि लखनऊ का जो कल्चर है, उसमें कहीं ना कहीं अद्दी और कोने का बहुत शौक रहता है, क्योंकि शौक यहाँ पे अद्दी का बहुत होता है यहाँ पे, और कोने का ही बहुत होता है, दोनों कहीं ना कहीं दोनों का इक्वल चलता रहता है। कई मतलब बेसिक मैंने देखा कि जितनी मैंने शौक कवर किया, वहाँ पे अद्दी बहुत रखते हैं कहीं ना कहीं, उसके बाद से कोने का भी रहता ही है। तो अपने पास क्या कल्चर है यहाँ पे, आपके पास अद्दी कोने रहते हैं या सब मंझोली भी रखते हैं? हमारे यहाँ क्या ट्रेंड है कि हमारे यहाँ हर चीज़ चलती है। ओके। मंझोली भी चलती है, क्योंकि बच्चा भी पतंग उड़ा रहा है, थोड़ा मीडियम एज की पतंग उड़ा रहे हैं तो वो लोग भी अद्दी प्रेफर करते हैं, और जो क्लब क्लाइट फाइटिंग कर रहे हैं तो उनके लिए तो पौना मैंडेटरी है। मैंडेटरी है, तो इवन आजकल तो अद्दी के शौक छोटे से बहुत होते हैं, इवन वो क्लब प्लेयर्स के, लेकिन वो अद्दी उड़ाते हैं, लेकिन वो सिर्फ मॉर्निंग में होता है। मॉर्निंग में होता है। ओके, तो कहीं और गर्मियों में, गर्मियों में तो सर्दी आएगी तो आपका पौने का शौक चलेगा। फिर मॉर्निंग में क्या है कि इतना ज़्यादा मिस्ट रहता है उधर हर जगह, तो फिर इतना होता नहीं है, नहीं हो पाता फॉग की वजह से। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब हम कंटिन्यू करते हैं, तो अपने पास आपने कहा कि मंझोली भी है, तो मंझोली में कितने कारीगरों की मंझोली है, क्या रेट से स्टार्ट होती है, और मैक्सिमम क्या जाता है? मिनिमम देखिए, मंझोली का बहुत हाई रेट तो कभी नहीं रहता है, और नॉर्मल जो मुरादाबाद की मंझोली होती है वो 7-8 रुपये की रेंज में होती है, और बेस्ट होती है। ओके, जो मंझोली के शौकीन होते हैं उनके लिए 7-8 की, मतलब यही आपका मतलब मैक्सिमम रहेगा और यही लोवेस्ट रहेगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं मंझोली से, दिखाते हैं कि कौन कौन से डिज़ाइन है, और प्राइस अगर आप रिवील करेंगे तो अच्छा है। बिल्कुल, श्योर श्योर श्योर। चलिए, तो ये आप मंझोली मुरादाबाद की है, ये पर है नए वाला, ये वाला मैं आपको बताना चाहूँगा, देख लीजिए अपनी मुरादाबाद की मंझोली है, और ये किस रेंज की है? ये 7 रुपये। 7 रुपये की। चलिए, ये बहुत अच्छे मेकर की है। ओके, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं, जैसे मांदार आ जाती है, एक बार कलर दिखाइए उसके अंदर, क्योंकि मेन कलर्स का लोगों को ना बड़ा रहता है। देखिए मांगा चील काट भी आ गई है, तो ये फर्मा आ गया, चील काट में भी आ गई। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये भी 7 रुपये की है? सब 7 रुपये की। तो कुछ मेकर का नाम रिवील करना चाहिए? अरे ये डिज़ाइन बहुत प्यारा है यार,
बहुत अल्टीमेट है मतलब ये सब एक्चुअली। अच्छा ये पेपर नए हैं, पेपर नए में ये कलर भी आ रहा था, अच्छा लगा देख के। अभी तक मैंने ब्लू और ब्लैक देखे थे, बट दिस लुक्स नाइस, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और 7 रुपये में आपका जो फर्मा है ना, बहुत अल्टीमेट। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन आते हैं और आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब यही मिलेगा, बट डिज़ाइन जरूर मिलेगा, प्लेन पतंग नहीं मिलेगी। तो ये 7 रुपये की पतंग जी है, मुरादाबाद की, और बेस्ट क्वालिटी है। नहीं वो दिख रहा है नो डाउट, इसमें कोई ऐसा शक नहीं है कि वो क्वालिटी देखने में समझ में आ जाती और है। ये 3-4 हज़ार एक लॉट में आती है और बल्क में बिक भी जाती है। अरे वाह जी। तो अभी आपका डिलीवरी भी रहती है ऑनलाइन? हाँ डिलीवरी रहती है, बट काइट्स के चक्कर में थोड़ा सा दिक्कत करता है मेरे साथ। मंझा में भेज देता हूँ, बट काइट्स के लिए बाहर में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। पैकिंग का इशू है कि मतलब चार्जेस, डिलीवरी चार्ज इतना महंगा होता है, तो कस्टमर यही बोलता है कि भाई इतना देना है तो मैं लोकल में ले लूँगा। चलो कोई बात नहीं, नो इशू, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। चलिए ये बहुत अच्छा है। अब इसके बाद दिखाते हैं इसमें मंजोली आई कौन सी रहेगी इसके बाद। बाकी चीलकाट की मंजोली बहुत अच्छी थी, इसको हम थोड़ा सा कवर करेंगे शॉर्ट के लिए अपने लिए। फिर ये हमारी मुरादाबाद की आती है सलीम की मंजोली। पतंग देखिए यार, मतलब फर्मा देख लीजिए, मतलब एक होता ना कि ये फर्मे मंजोली बहुत कम मिलते हैं, नो डाउट, क्योंकि ज़्यादातर आपको लंबे घाट के तेज चाल बहुत कम मिलता है। और मंजोली मेरे ख्याल यहाँ पे शायद से लंबा में लड़ाते भी हो, तो उसके लिए अब ये पतंग, तो ये खींचने में बड़ी अच्छी लड़ेगी। ऐसी बात प्यारी मंजोली होती है, वो सलीम की पतंग है, बहुत अल्टीमेट लग रही है। तो भैया इसका क्या रेट रहेगा? ये 8 रुपये प्राइस की है। 8 रुपये रहेगा। तो और ये सिर्फ प्लेन आती है, उसमें कोई डिज़ाइन नहीं आता है। अगर भैया आपसे मान जाना तो इसको पक्का आप कोरियर करवा लीजिएगा। अच्छा। बड़ी प्यारी है वाली, अच्छी लग रही है पतंग। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर मैं कहूँ कैमरे में कितना जस्टिफाई होगा, लेकिन सामने देखने बहुत प्यारी। और ये भी बल्क में आती है, ये भी नहीं कि ऐसा नहीं आज मिली कल नहीं मिलेगी। ये वैसे कमान ठंडे दिखाई दी पतंग से, एकदम मीडियम देखिए, कमांड ठड्डे होते लोचीले जो रहते हैं हमारे एकदम, और लचीला ठड्डा होता है। बहुत बढ़िया, हम पतंग देख के बड़ा मज़ा आ गया। और आप इसको अद्धी में भी लड़ा देंगे ना तो कोई जज नहीं करता। हम पतंग देख के, मतलब फर्मा देख के बड़ा प्यार लग रहा है आजकल, तो वैसे भी साइज छोटे होते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास मतलब अच्छे क्वान्टिटी में आती है, और पेपर भी नया वाला, पेपर नया वाला। चलिए तो 8 रुपये की मंजोली और बहुत प्यारी है, और कह रहा हूँ भैया को मना लीजिएगा तो भैया आपको कोरियर कर देंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो पतंग बहुत अच्छी है। और ज़्यादा वैरायटी नहीं रखता हूँ, कम रखो लेकिन अच्छा बेचो, तो इसमें प्लेन ही मिलेगा आपको। हाँ। बहुत अच्छी बात है। चलिए तो मंजोली में अपने पास यही अभी आइटम? जी जी मंजोली में ये ऑप्शन है। आपको दिखाई थी हमने मंजोली जिसमें 7 और 8, 7 में चीलकाट बहुत बढ़िया और 8 में का फर्मा, तो मतलब दिल को भाजा ऐसा फर्मा था। अब चलते हैं अपनी अद्दी की तरफ। तो भैया अद्दी में क्या स्टार्टिंग रेंज है अपने पास? अद्दी में भैया स्टार्टिंग है 12 रुपये, 12 से स्टार्ट है। इससे कम रखते हैं कि अभी है नहीं? इससे कम रखते हैं, लेकिन बट आजकल क्या है ना कि कमांड ठड्डे का इतना इशू आ रहा है तो हम मंगा नहीं रहे। ओके तो मतलब 12 रुपये में क्या क्वालिटी भी रहती है, और फेस्टिवल के हिसाब से मैं 15 अगस्त के हिसाब से देखा है तो बहुत, तो ये 12 रुपये की ये फेस्टिवल के लिए 12 रुपये। और डिज़ाइन आपका एक मिलेगा इसके अंदर? हाँ अभी तो सर यही डिज़ाइन है, और नीला है, देखिए नीले पे आपका वाइट पत्ता है, ब्लैक भी मिल जाएगा, और बीच में आपका ये तिरंगा टाइप स्टाइल बना हुआ है आपका। देख लीजिए पतंग देखिए एक बार यहाँ से, बहुत प्यारी पतंग लग रही है वाली, और 12 रुपये की पतंग है। कमांड ठड्डे भी इसके बहुत बढ़िया लगे हुए हैं, बहुत अल्टीमेट। तो ये है भैया 12 रुपये की, तो 12 से स्टार्ट कर रखिए। हाँ, आगे चलते हैं, आगे में क्या रेंज आएगी, मतलब मैक्सिमम किस रेंज तक जाती है हमारी हड्डी? 16-17 बस है ना। चलिए अब दिखाते हैं आगे की हड्डी। फिर भैया ये आ जाती है जिसकी मैंने आपको मंजोली दिखाई थी, वो उसी की सलीम की, वो पतंग देख के समझ में आ गया, देखिए भैया उन्हीं की है जिनकी हड्डी बड़ी प्यारी थी, बट ये लंबे घाट की, लंबे घाट की वाली। चलिए तो ये क्या रेंज में रहेगी? 13 रुपये की, और मुरादाबाद की है। अच्छा वो जो डिज़ाइन है वो लखनऊ की थी, वो अपने यहीं की थी वो। चलिए बहुत बढ़िया, तो 13 रुपये की मुरादाबाद की आपकी ये हो गई, वो 12 की 13 की हो गई। जी जी चलिए बहुत बढ़िया। इसमें कोई डिज़ाइन या प्लेन रहेगी? सिर्फ प्लेन, प्लेन इनकी पतंग सिर्फ प्लेन आती है। अब आगे चलते हैं इसके आगे, इसमें ये पेपर भी है, सेम ही है कारीगर? ये नया अजंता है, नया अजंता जिसको बोलते हैं, सेम कारीगर है ये? जी जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये देख लीजिए अल्टीमेट नो डाउट जी। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा भी कस्टमर्स भी हैं, अभी करते हैं आगे हम, और पतंग बाकी बार यही 13 रुपये की। हाँ तो काफ़ी मतलब अगर मैं बात करूँ बजट में काफ़ी आपने रखा हुआ है। हाँ, बजट फ्रेंडली है। ये हमारे पास एक और 13 रुपये में ऑप्शन है जकी का, जकी बोले तो अपने जकी मुरादाबाद, मुरादाबाद के। थोड़ा सा डार्क डार्क के मोहर है इसकी। हाँ ये देख लीजिए डार्क, नहीं देखा हुआ देखिए हमने पतंग पहले, पतंग ये भी अच्छा, ये भी 13 रुपये में ही है। हाँ, ये तो मतलब दो कारीगर मिल जाएंगे। हाँ, एक आपको सलीम जैसे होंगे, 13 रुपये का ही है, और छोटे पेज के लिए बेस्ट है। वो फर्मा देख के समझ आ गया, पतंग दिख रही है कमान ठड्डा, ऐसा कोई नहीं है कि बहुत सब पे काम हुआ कमान ठड्डा, तो पतंग फिनिशिंग दिखा रही है इसके अंदर। और अच्छी बात है कि यहाँ पे आप अच्छी धूप निकल रही है, गेमिंग लग रहे हैं। जी जी चलिए आगे चलते हैं।
अब इसमें भी स्टॉक रहता है हमारे पास। चले तो मोस्टली रखते प्लेन है, मतलब अगर हम बात करें तो प्लेन का अपने ज़्यादा प्लेन का ही कल्चर है। कल्चर वो बच्चों के लिए मंगाना पड़ता है कभी कभी कलरफुल, लेकिन कोई डिमांड नहीं है। फिर एक हमारे पास आती है हाशिम की, हाशिम का पौना भी आता है, हाशिम का पौना आता है, बट अभी पौना तो मेरे पास अवेलेबल नहीं, बट अद्दी मेरे पास रहती है। तो भैया मैं आपको दिखाता हूँ पूरी अद्दी, देख लीजिए ये वाली यहाँ पे। तो भैया किस रेंज की रहेगी हाशिम? ये भैया 14 रुपये की। तो भैया प्राइस बड़े बजट फ्रेंडली है और क्वालिटी, जैसे जैसे पैसे बढ़े तो क्वालिटी भी बढ़ती जा रही है, और पतंग भी बहुत अच्छी है। अच्छी है और उसका थोड़ा रख भी होगा तो कोई कहीं जाएगी नहीं, मतलब कमाने खड्डे इस तरीके से है तो मतलब कहीं बहने वाले के नहीं है, आप रखिए आराम से। सब बढ़िया एकदम परफेक्ट कंडीशन में और अच्छी कमाई अच्छी लड़ती है। नहीं पतंग मार्केट बहुत अच्छी है, नो डाउट, बहुत प्यारी पतंग है वाली। चलिए आगे चलते हैं, एक बार दोबारा आते हैं ये सलीम पे। सलीम का मतलब मंजोली को बड़ा कर दिया, मंजोली को बड़ा कर दिया, और ये फैंसी मंजोली गोल फर्मे की एक नंबर, ये अद्दी होगी हमारी। हाँ ये अद्दी, ये अद्दी हो गई जी जी। तो भैया थोड़ा सा पीछे है, ये थोड़ा सा देखिए भाई साहब, पतंग देख लीजिए, जो मंजोली दिखाई दे ना 8 रुपये की, ये उसका बड़ा भाई हो गया जी, ये अद्दी में आ चुका है। और मतलब जो अद्दी के शौकीन तो वो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं आराम से, आपको लड़ाना तो अच्छे रेंज पर चली जाएगी पतंग। और इसका क्या रहेगा भैया? इसे कमान खड़ी दिखाई जाएगी, बढ़िया लग रही है पतंग, आप किसी भी रेंज पे इसको लड़ा दीजिए और प्राइस बहुत मतलब बढ़िया सो रहा है। देखिए अभी तो इस समय 20 22 25 की भी आ रही है, बट जो मज़ा हमें 16 17 रुपए में पता क्यों जाएंगे, इतनी अच्छी लग रही है बढ़िया देख के, तो क्या चाहिए? ऊपर से पेपर भी आपका नया, ये नया वाला, ये नहीं ये खटीमा है ना, ये हाँ वो तभी इसमें खटीमा 5 kg आ गया। पतंग बाकी बहुत अच्छी है, बाकी मैंने बताया कि मंजूरी तो मुझे बहुत पसंद आई जी जी। और बाकी भैया करते हैं डिलीवरी, लेकिन थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा भैया थोड़ा। चलिए आगे चलते हैं, हम फिर हम पौने पे आते हैं। तो ये हमारा हो गया, हमारा जब 12 से स्टार्ट हो गई है और 16 अभी तक मैक्सिमम गई है, आगे कभी फ्यूचर मतलब रखते हैं कि रखा नहीं है इसके ऊपर थोड़ा? देखिए 17-18 तक अभी आती है, वो अजंता पेपर पे, अजंता पे आ जाएगी, लेकिन एक्चुअली मेरे पास उसकी क्वांटिटी अभी नहीं है, क्योंकि अजंता पेपर आप जान रहे धीरे धीरे वैनिश हो रहा है, खत्म ही हो गया। तो अभी मैं वीडियो में ला दूं और फिर मैं अवेलेबल ना करा पाऊं तो वो मेरे लिए वो काम करना ही नहीं है, नो इशू। चले हम चलते हैं पौने की ओर, अब स्टार्ट करते हैं पौने की तरफ। तो भैया पौने में अपने पास क्या रेंज रहती है, कहाँ कहाँ के पौने रहते हैं और वैरायटी में कैसे रहता है? देखिए आजकल तो अभी तो हमारा फेस्टिव सीजन चल रहा है, ओके, और चीज़ें आती हैं और कब सेल हो जाती हैं ये हम भी नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। चले तो आज इस समय तो मेरे पास कुछ खास पौने अवेलेबल नहीं है, बट जो है वो मैं आपको एकदम दिखाऊंगा, नो इशू। और हमारे पास आते रहते हैं। चले बाकी अगर मैं बात करूँ जो आते भी रहते हो कहाँ कहाँ के आते हैं? देखिए बरेली में भी आजकल पौना बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छा, नो डाउट बहुत अच्छा पौना बन रहा है, और मुरादाबाद का तो है ही है फेवरेट, और मेरठ तभी अवेलेबल कराते हैं लोग कि जब कहीं अच्छी जगह किसी का टूर्नामेंट वगैरह लड़ रहा होता है, तभी कोई इंसान प्रेफर करता है, वरना चले बहुत बढ़िया। तो ये पतंग आप देख लीजिए, ये पौने से स्टार्ट करें, ये रेंज क्या रहेगी भैया? ये 15 रुपये का पौना है भैया। और ये कहाँ का रहेगा? लखनऊ का ही है। अरे वाह, लखनऊ का पौना 15 से स्टार्ट हो गया, और मीडियम पतंग होती है। नहीं पतंग देखने में बहुत बढ़िया, नो डाउट। चलिए तो 15 रुपये की पतंग है, पतंग बाकी अच्छी है नो डाउट इसके अंदर। अब आगे चलते हैं, इसके बाद भैया भी बता रहे थे कि ज़्यादा फिर अभी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो जो भी हम वो दिखा देते हैं उसके अंदर। अब आगे चलते हैं, फिर हमारे पास सीधा भैया नाजिम का पौना आता है, नाजिम मुरादाबाद जी जी। आप देख लीजिए भैया नाजिम भी वहाँ पे बहुत सारे हैं, कन्फ्यूज मत हो जाएगा। सबसे पहले देख लीजिए भैया जो कहते हैं ना कि जो ठड्डा होता है सुविधा ठड्डा, जो देख लीजिए एकदम आप जी, ये चल रहा है यहाँ पे, वो भरी आप देखिए नाजिम में जिस टाइम भी देख सकते हैं हम यहाँ पे। तो भैया ये क्या रहेगा पौने का रेट? ये 28 रुपये का पौना, तो ऑलमोस्ट अजंता पेपर पे, अजंता पे रहेगा। तो 15 और अभी 28 की रेंज हमारे पास है, बीच में जब आएगा तो आते रहते हैं 17, 19, 22 और VM लखनऊ के हमारे भैया डालते रहते हैं, तो उसमें आपको अपडेट मिलती रहेगी। वो हमारे 6 महीने में एक बार आने का मौका मिलता तो हम इतना अपडेट दे नहीं पाएंगे। तो VM भैया है हमारे जो लखनऊ के रजाई भाई है, वो पूरा वीडियोस करते हैं पूरे, मतलब लखनऊ की कोई भी चीज़ देखनी अपडेट देखें तो उनका चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा उनके पास। माल हमारे पास आता है फ्राइडे और ट्यूसडे को, हाँ ये एक मुहर्रम के इशू के चक्कर में आज हमारे पास कुछ भी नहीं आ पाया, नहीं नो इशू, वरना मेरे पास मतलब भर का माल रहता है यहाँ पर। चलिए तो ये अपना 28 रुपये का हो गया, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे हम पतंग का सेक्शन खत्म कर देते हैं। चलिए आपको दिखाई पतंगे, पतंगों में दिखाई मंजोली जो स्टार्ट है हमारी 7 से और 8 की बड़ी बढ़िया मंजोली, उसके बाद हमारे पास अद्दी थी 12 की और अभी तक 16 है, लेकिन ऊपर नीचे होता रहता है तो आप मिलेगा। पौनों में वैरायटी अभी थोड़ी सी भैया कह रहे थे कि अप एंड डाउन हो रही, तो अभी सीजन चल रहा है अद्दी और मंजोली का, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। अच्छा भैया बात करते हैं हमारे पास लखनऊ की, बात करते हैं तो लखनऊ में जैसे आप सीज़न 15 अगस्त का भी आएगा, फिर तो उसके बाद आपका सीज़न आएगा यहाँ पे रक्षाबंधन के बाद आपका दिवाली के बाद जो बोलते हैं आपका जमगढ़ बोलते हैं, तो यहाँ पे कैसे मान लो कि डिमांड रहती है बच्चों की तरफ से,
और क्या डिमांड छतों के लिए जो रहती है, मतलब स्पेशल जो छतों के धागे रॉकेट चार तार वर्धमान चार तार रॉकेट वगैरह तो हम तो नहीं मंगाते हैं, झूठ बोल रहे हैं, हम नहीं मंगाते हैं। ओके, हम प्रॉपर यही मंजा देते हैं 1-2-3 पे, तो यहाँ चलता ही 1-2-3 है। और कोई डिमांड करता है, इनकेस डिमांड करता है, तो हम कारीगर से बनवा लेते हैं, बनवा देते हैं। चलिए, तो अभी आप हम ये जो दिखा रहे थे 1-2-3 के मांजे दिखाएंगे सारे 1-2-3, और 1-2-3 में स्टार्टिंग रेंज क्या रहती है अपने? 1750 से 1200। हाँ। तो इसमें चरखे मतलब ये चरख भी तो आप तो 12 में ही डील करता हूँ। बहुत ही बात है, तो आप स्टार्ट करते हैं, तो आपको दिखाते हैं जो 1750 का स्टार्टिंग है वो हमारे फुरकान रजा दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये फुरकान रजा है, फुरकान भाई हो गए हमारे वाले। जी जी, और हल्का सा देखिए, मैं दौर को बिल्कुल यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, एक सेकेंड। बढ़िया भैया, तो ये अपना आराम से लड़ाई है जो आज के पेज लड़ रहे हैं आजकल के लिए बेस्ट हो रही है, कम रेंज में अच्छी हो रही है। और आजकल थोड़ा सा जब महंगाई बढ़ गई तो उसमें ये चीज़ें बड़ा बजट फ्रेंडली है। डेफिनेटली, तो मैंने देखा इवन पतंगों में भी काफ़ी बजट फ्रेंडली है। कुछ पोने वाले तो पोने को देखो रहता है कि पोन जो झांके है, तो भाई 15 रुपये का पोना बहुत प्यारा था आपका। हाँ, आराम से लड़ेगा वो, ऐसी बात नहीं है, 300-400 मीटर कहीं लड़ा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये उसमें एक वैरायटी होगी। हाँ, एक वैरायटी। अब आगे चलते हैं, इसके बाद क्या रहेगा रेंज के ऊपर? इसके बाद एक हमारे पास आता है RDX, ये दिखाता मैं आपको। हमारे RDX है, इसका रैपर भी था यहाँ पे भैया, देख लीजिए यहाँ पे RDX है ये देख लीजिए। और इसका क्या रेंज रहेगा? ये भैया 1850 रुपये का, ये मेरी खुद की पर्सनल यूज़ करी हुई डोरे हैं, ये तो मैं उड़ाता रहता हूँ वहाँ पे, दिल्ली भी आती है हमारे पास जी। और इस डोर का तो मैं खुद अपना मतलब मैं बताया कि मुझे कि हमारे जो छोटे पेज लड़ते हैं दो टुकड़ों के पेज में बहुत मज़ा आता है यार, नो इशू। आर पार वाले जो पेज होते हैं वो बहुत अच्छी डोर है, तो 1850 रुपये की आपसे। चलिए, अब आगे चलते हैं हम इसके ऊपर, क्योंकि ये डोर तो खुद मैंने बहुत उड़ाई है, इसका तो मैं क्या ही बोलूँ। और आगे ये हमारे फिर ये हमारे साहिल रजा की बरेली लॉइन आती है। मैं इस भाई के बारे में बात करूंगा, कभी मिलोगे ना, तो बहुत शरीफ से हैं और बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आज के टाइम पे। ये मैंने पहली बार मंगाई है। ओके, और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया इनकी डोर का, और बहुत हम्बल इंसान है वो, डोर भी अच्छी बना रहे हैं, डोर भी अच्छी मतलब रखते हैं कि तेज धार और हल्का बारीक आता है, लेकिन मीडियम में भी आया तो बारीक ही रखते जाता है। हाँ, बारीक रखते हैं, बारीक रखते हैं। मैंने इनसे कहा भी कि थोड़ी मोटी कर दी, तो बोले फिर वो मज़ा नहीं आएगा जो हम ढर्रा बनाते हैं, वो बनाते भी ब्लैक है जी, ओनली ब्लैक ब्लैक बनाते हैं। चलिए, तो इसका क्या रेंज रहेगा? 1850 तो 1750 ये रेंज चल रही है, इसके ऊपर भी रेंज आती है हमारे पास? इसके ऊपर सीधा फिर हमारे पास एक और ब्लॉक आता है, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। श्योर, डेफिनेटली मैं वो देखना चाहेंगे ब्लॉक को। तो मैक्सिमम कितने तक का रखते हैं 1-2-3? तो भैया एक और ले आए हैं, ये देख लीजिए, ये किंग नंबर 1 दिख रहा है यहाँ पे, ये इस नाम से आता है हमारा धमाका। ये आपका खुद का ब्लॉग है क्या? नहीं नहीं, शाहिद भाई का, शाहिद भाई का, शाहिद भाई का। तो इसकी क्या रेंज है ये? ये भी 1850। तो 1850 का ही है, इसमें बेस्ट क्वालिटी आपको 1850 और 1900 में बहुत अच्छी क्वालिटी। तो अपना मतलब जो आपका एक मैं बात करूँ, अपने पास जो मांझे रहते हैं वो इसी रेंज में रहते हैं, 2000 से अंदर मांझे रहते हैं। देखिए, जब ये रिजल्ट दे रहा है तो अननेसेसरी क्यों महंगा लेना। चलो, और इसकी यहाँ पे डिमांड जो डिमांड है, डिमांड भी है, तो कहीं ना कहीं अपने पास है शौकीन जो मतलब आज भी 1800-1850 की डोर पसंद करते हैं। ये डिमांड में और अच्छी अच्छी डोरों को काटने की कला रखती है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मैं बात करूँगा कि भैया के पास जितने ही मांझे ना सब 2000 से मतलब अंदर ही है। एक मांझा है मेरे पास इनका, शाहिद भाई का, थोड़ा ऊंचा ब्लॉक वो दिखा देते हैं एक बार, हम आपको वो देखना चाहेंगे। ये धमाका हो गया इनका जी। तो जो ऊपर ब्लॉक आ रहा है वो कितनी रेंज में जाएगा अगर देखा जाए तो? चरखी देख लीजिए, शाहिद भाई का मांझा में का चरखी भी थोड़ी चेंज हो गई है, धमाका ही लिखा हुआ इसके ऊपर भी, बट इनका ये ब्लॉक ये है किंग खान। किंग खान, अच्छा वहाँ वो धमाका था, ये किंग खान हो गया। तो इसका क्या प्राइस चला जाता है? ये 2200 की प्राइस का, 2200 हो गया। खासियत थोड़ा सा मतलब रेंज के लिए लड़ाया, कैसे बनाया गया इसको? ये दोनों करवट लड़ता भैया, रेंज पे लड़ा लीजिए चाहे पास में लड़ा लीजिए, आपको मज़ा दे देगा ये डोर। और 1-2-3 की डोर मिलेगी, प्योर 1-2-3, प्योर 1-2-3, कोई रॉकेट चार तार नहीं, या हैमर या C8 नहीं मिलता है यहाँ पे 1-2-3। इवन सीज़न पे भी नहीं रहता, सीज़न जो अब आने वाले सीज़न पे भैया देखिए कोई बोलता है तभी लाता हूँ, वरना मैं इसी में डील करता हूँ। डोर देखना पसंद करेंगे भैया ने, बहुत बढ़िया डोर निकाल के दिखाई है काफ़ी भी, तो कई बार ना ऊपर दिखाते हैं ये चीज़ अच्छी है अल्टीमेटली डोर अपने, मतलब ये बहुत पसंद की जाती है, और ये 2700-2800-3000 काटने की कला रखती है। बहुत बात है, तो हम बात करते हैं भैया के पास ना बहुत बजट फ्रेंडली है, बट अगर आपके पास थोड़ा सा आपको लगता है कि मुझे हाई एंड जाना है तो आप ये वाला मांझा बिल्कुल करते हो। 2200 रुपये का था। चलिए भैया, बाकी अपने प्रकाश के पोने लगा रखे, तो कुछ पोने हैं अपने पास प्रकाश के? जी, सिर्फ डिस्प्ले के लिए मैंने बनवाए थे उनसे। चलिए जी, इनके हमने लंबे घाट की पतंगे उड़ा रखी हैं, काफ़ी अच्छी पतंगे उड़ते हैं इनके। ये इनका ब्लॉक है किंग खान, बहुत अच्छा लड़ता है।
तो आप मान लीजिए मेरे पास ये वैरायटी है। इसके बाद अपने पास जो हमारे यहाँ पे मंजूरी सद्दी बोलते हैं आप टून बोलते हैं शायद यहाँ। हाँ टून में क्या क्या रहता है हमारे पास? टून में भैया देखिए गर्मियों के लिए तो टून एकदम टूटता बहुत है गर्मियों में, तो हम प्रेफर नहीं करते टून से लड़ाना। गर्मियों में सद्दी लड़ाते हैं, प्लेन वाइट सद्दी। हाँ प्लेन वाइट सद्दी। भैया कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम सद्दी बोलते हैं ना यहाँ पे, सद्दी का मतलब वाइट सद्दी हो गया। अच्छा, वाइट का मतलब मंजूरी सद्दी, जब आपकी पेंटेड सद्दी। जी जी जी। जैसे मेरे पास ऑप्शन है, जैसे ये है हमारे पास एक, ये शिवम का टून है, शिवम अपने इलाहाबाद। जी जी, इलाहाबाद का। क्या रेंज में रहता है ये कलर? ये 1450 की रेंज में। बड़ा हैवी है, 4 नंबर है, 5 नंबर है? ये 3.5 नंबर। 3.5 नंबर है जी। चलिए, तो मतलब खिचाइयों के हिसाब से बनवा। हाँ हाँ, ये एकदम परफेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपने ये भी मिल जाता है, इसके अलावा भी वहाँ पे काफ़ी शिवम का मिलता है, बनने का मिलता है, आता है, बट वो ठंडक में मंगवाता हूँ। अच्छा, अगस्त के एंड से स्टार्ट हो जाता है। तो भैया यहाँ पे देखिए, भैया ने दिखाया, भैया के पतंगे दिखा दी, मांझा दिखाया, और जो मैंने मतलब देखा ना कि बहुत ही बजट फ्रेंडली शॉप है, तो आपको हर चीज़ अच्छी मिलेगी, क्वालिटी बहुत अच्छी रखी हुई है। तो अगर आप लखनऊ के आसपास के हैं, जो लखनऊ में, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अगर बजट में देखना चाहते तो यहाँ पे आइए। प्लस भैया ने बोला मैं ऑनलाइन डिलीवरी करता हूँ, बट वो मान देखिए पतंगों के लिए थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, क्योंकि पतंगों में भैया कह रहे कि थोड़ा सा ना हो जाता थोड़ा सा। जी जी, चलिए, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।